राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जैश से जुड़े हिदायतुल्ला मलिक के पास डोभाल के ऑफिस की रैकी का वीडियो पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। कश्मीर में शोपिया के रहने वाले मलिक को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया था। यह रैकी पिछले साल की गई थी। मलिक ने डोभाल के ऑफिस और श्रीनगर में अन्य इलाकों का वीडियो रिकॉर्ड किया था। मलिक ने यह वीडियो अपने अकाउंट को पाकिस्तान भेजे थे। इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। संबंध में एक FIR भी दर्ज की गई है। जम्मू के गंग्यार पुलिस स्टेशन में मलिक के खिलाफ AUP की धारा 18 और 20 के तहत केस दर्ज किया गया है। मलिक को जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर ए मुस्तफा का प्रमुख बताया जा रहा है। उसे अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया था। मलिक के पास हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंक फैलाने की साजिश में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बताया कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी लश्कर जैश हिजबुल मुजाहिदीन को भारी फंड मुहैया कराने में जुटा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए दुबई तुर्की के रास्ते फंडिंग मुहैया कराई जा रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पार्ट 2 शुरू होने की साजिश की जा रही है। जकात मौदा बेल उत्माल विदेशों से आई चैरिटी हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर ISI दुबई तुर्की और दूसरे रास्तों से फंडिंग मुहैया करा रही है। 370 हटने के बाद आतंकवादी और पत्थरबाजी में कमी आई है, लेकिन जमात इस्लामी फंडिंग के जरिए कश्मीर में दोबारा इन सब चीज़ों को बढ़ाना देना चाहता है। जमात इस्लामी ने नए अलगाववादियों और आतंकियों की नई भर्ती के लिए सीक्रेट मीटिंग भी की है।